सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सूरज यूट्यूब चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल सूरज यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज वेडनेसडे है और MIUI ग्लोबल बेटा रोम की जो अपकमिंग बिल्ड है उसकी कुछ चेंज लॉग प्रीव्यू आ चुकी है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी अपकमिंग बिल्ड के चेंज लॉग प्रीव्यू के बारे में बात करने वाला हूँ। तो अधिक जानकारी के लिए बने रहें मेरे साथ और मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे सारे वीडियोज़ जो होते हैं वो Xiaomi से ही रिलेटेड होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे MD MD 199 1123 जो कि MI फोरम के ऑफिशियल टीम मेंबर है, उनके द्वारा MI फोरम पे ये थ्रेड पोस्ट किया गया है MIUI ग्लोबल बेटा रोम 7.5.11 चेंज लॉग प्रीव्यू। और जो इस बार की बिल्ड नंबर है वो है 7.5.11 और हमें इस अपकमिंग बिल्ड में नोट्स के ऊपर कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है वो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रिकमेंडेड फीचर्स ऑफ दिस वीक के कुछ लिस्ट दिए गए हैं यहाँ पे। और पहला वाला जो चेंज लॉग हमें देखने को मिलने वाला है नोट्स पे वो है ऑटो सेव नोट्स फॉर एवरी 5 सेकेंड्स वाइल एडिटिंग। दोस्तों, हम जब कभी भी नोट्स के ऊपर एडिटिंग करते हैं तो वो 5 सेकेंड्स में खुद ब खुद सेव हो जाएगा। ऑटो सेव ऑप्शन दिया गया है इसमें, तो हमें खुद से सेव नहीं करना होगा, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सर्वर पे सेव हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं रीडिज़ाइन द एडिटिंग मेन्यू ऑफ एवरी नोट। दोस्तों, हम किसी भी नोट्स के एडिटिंग मेन्यू को खुद से रीडिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे। और तीसरा वाला देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ द टाइप सेटिंग ऑफ शेयरिंग इमेजेस। दोस्तों, हम शेयरिंग इमेजेस के टाइप सेटिंग को खुद ब खुद ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं इस अपकमिंग बिल्ड में। तो ये थी नोट्स के ऊपर के कुछ हाइलाइटेड चेंज लॉग। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हाइलाइटेड पिक्चर्स भी दिए गए हैं, तो इसे देख के आप खुद ब खुद समझ जाइए कि क्या कुछ चेंज लॉग हमें देखने को मिलने वाला है इस अपकमिंग बिल्ड में। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दूसरा चेंज लॉग दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्रूव द एनिमेशन ऑफ क्लियरिंग कैचे। तो क्लियरिंग कैचे के ऊपर जो एनिमेशन आती थी उस पर भी कुछ इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलने वाली है इस अपकमिंग बिल्ड में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइलाइटेड फीचर्स दिए पिक्चर्स दिए गए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जब भी हम रैम क्लियर करते थे तो कितना MB रैम बचा हुआ है वो हमें दिखता था पिछली वाली बिल्ड में, तो इस बिल्ड में ये हटा दिया गया है। और अब हम रैम क्लियर करेंगे तो कितना MB रिमेनिंग रैम बचा है हमारा वो शो नहीं करेगा। तो ये चेंज लॉग हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कितना MB रैम हमारा बचा हुआ है डिवाइस में हमें दिखता था तो पता चल पाता था कितना MB रैम बचा हुआ है। तो पता नहीं क्यों इस चेंज लॉग को इस बिल्ड में हटा दिया गया है। तो ये चेंज लॉग हमें पसंद नहीं आया। और ऊपर की जो ये नोट्स की ऊपर जो चेंज लॉग किए गए हैं तो ये काफ़ी अच्छी चेंज लॉग है। तो फिलहाल के लिए ये चेंज लॉग आई हुई है इस अपकमिंग बिल्ड में हमें देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे जितने भी सारे वीडियोस होते हैं वो Xiaomi से ही रिलेटेड होते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।